मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वाइल्ड वर्सेस फैक्ट में। जैसे कि सब जानते हैं कि यूएस में आज इलेक्शंस हो रहे हैं और अब सामने आ गए हैं उस इलेक्शंस के ओपिनियन पोल्स। तो कौन है आगे कौन है पीछे, इस बात को जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। महीनों से चल रही चुनावी प्रतिक्रिया और राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो कि बाइडेन के बीच कड़ी लड़ाई चल रही है। सोमवार को वोटिंग की पहली शाम चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे आए हैं, जिसमें देखा गया है कि ट्रंप और बाइडेन के बीच जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। जीते कोई भी, जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के अनुसार प्रमुख राज्यों में 77 इयर्स के बाइडेन 74 इयर्स के ट्रंप से 2.9% अंकों से आगे चल रहे हैं। ये अंक मार्जिन ऑफ एरर के तहत आता है। पिछले कुछ दिनों में बाइडेन के अंकों के कुछ गिरावटें उनके अंकों में देखी गई हैं। इस अवधि में राष्ट्रपति ट्रंप फर्स्ट फैमिली और उपराष्ट्रपति माइक फेंस ने खूब रैलियां निकाली थी। ट्रंप के अकेले 15 रैलियां की थी। सभी ने मिलकर पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 रैलियां की हैं। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के मुताबिक पूरे अमेरिका में ट्रंप बाइडेन के खिलाफ औसतन 6.5% अंक से पीछे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले बाइडेन 8 अंकों से लीड कर रहे थे। सोमवार को दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का भरोसा दिलाया। खैर, आपको क्या लगता है कि यूएस की जो पावर है वो किसके हाथ में इस बार आएगी, हमें कमेंट सेक्शंस में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही और अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।